गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टेंस, ओके। चैप्टर नंबर 10, टॉपिक इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। इनडेफिनिट टेंस यू हैव स्टडीड, ओके। यू हैव स्टडीड दिस वन। नाउ हियर इज definition. Yes, what is written here? Anything that happens but not continuously is called to be in present perfect tense. The work is finished in this tense. Simply आप समझ लीजिए कि इस टेंस में वर्क जो होता है फिनिश हो जाता है, समाप्त होता है. There are two helping verbs. One has, second have. Has used with singular subject. Have used with plural subject, okay. Singular subjects कौन कौन हो सकते हैं? He, she, any name, Mohan, Shawn, etc. Plural subjects कौन कौन हो सकते हैं? I, we, you, they, people, boys, men, etc. okay. तो अब हम आपको स्ट्रक्चर वाइज बताते हैं। जैसे सेंटेंस में आप पांच सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला assertive sentence है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सेकेंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? Has, have, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर है तो है, प्लूरल है तो है। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है रूल में, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें